ज्ञानवापी परिसर का होगा एएसआई सर्वे। जिला अदालत में हिंदू पक्ष की जीत, मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। एएसआई सर्वे से निकलेगी सच्चाई। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इन दिनों टीवी चैनलों पर सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियां चल रही हैं। अखबारों में भी ये मुद्दा छाया हुआ है। मुद्दा छाए रहने का असल वजह ये है, ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है और परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। वही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एएसआई सर्वे के दौरान परिसर में नमाज होती रहेगी। सर्वे के इस काम को 3 से 6 महीने के भीतर पूरा करने का अनुमान है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो अदालत के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देगा। वही अगर पिछले तारीखों की कार्रवाई पर गौर करें तो 12 और 14 जुलाई 2023 को हुई बहस में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि अगर ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण होता है तो ऐसी स्थिति में उत्खनन करने से ज्ञानवापी के ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मुस्लिम पक्ष के आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के पक्ष में फैसला सुनाया है और कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को मंजूरी दे दी है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे को कोर्ट ने मंजूरी मिली है। दरअसल ये पूरा मामला पिछले साल अगस्त का है, जहां दिल्ली की एक महिला राखी सिंह और 4 अन्य महिला ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी और कुछ अन्य देवी देवताओं के दर्शन पूजन की अनुमति की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की। वाराणसी की एक निचली अदालत में दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ये देवी देवता प्लॉट नंबर 9130 में मौजूद हैं, जो विवादित नहीं है। अर्जी में कहा गया है कि सर्वे करा के पूरे मामले को सुलझाया जाए। लगभग 8 महीने बाद 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया, जिसके बाद मस्जिद प्रबंधन समिति ने कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया। सर्वे के दौरान मस्जिद के वजूखाने में एक ऐसी आकृति मिली है। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2500 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तुड़वाकर यहां मस्जिद का निर्माण किया, जो अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर का पूरा तात्विक सर्वेक्षण कर ये पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर का भाग मंदिर का अवशेष है या नहीं। साथ ही विवादित ढांचे की फर्श तोड़कर ये भी पता लगाया जाए कि 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ भी वहां मौजूद है या नहीं। मस्जिद की दीवारों की भी जांच कर पता लगाया जाए कि ये मंदिर की है या नहीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। इस विवाद को लेकर अब तक क्या क्या हुआ? काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। 2021 में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई। 14 मई से ही ज्ञानवापी के सर्वे का काम दोबारा शुरू हुआ। सभी बंद कमरों से लेकर कुएं तक की जांच हुई। इस पूरे प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी भी हुई। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुएं से बाबा मिल गए। इसके अलावा हिंदू स्थल होने के कई साक्ष्य भी मिले। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने पूजा स्थल कानून 1991 का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने की मांग की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द सुनवाई का आदेश दिया था। 12 सितंबर को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी।
12 सितंबर को ही इस मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इनमें से 3 पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 21 जुलाई को वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया और परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दे दिया। अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। वही मौजूदा समय में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। वही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है और परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। वही जिला जज की अदालत में आवेदन मंजूर होने पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताते हुए इसे बड़ी जीत बताई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील है कि सर्वे से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी की वास्तविकता क्या है। सर्वे में बिना क्षति पहुंचाए पत्थरों, देव विग्रहों, दीवारों सहित अन्य निर्माण की उम्र का पता लग जाएगा। वही विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे कराने के आवेदन का विरोध किया है।